हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आज बच्चों के फेवरेट पराठा रेसिपी लेके, बच्चे एक बार खाएगा तो एकदम खुश हो जाएगा। तो ये पराठा कैसे बनते चलिए देख लेते फ्रेंड्स। तो ये पराठा बनाने के लिए मैंने एक कप इधर मैदा लिया फ्रेंड्स, और उसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल के लूँगी, और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के लूँगी, और 1 चम्मच के करीब शक्कर डाल के लेने का फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके लेने का। तो इसे अच्छे से मिक्स करके लूँगी मैं इस तरह, और इसमें 1 अंडा फोड़ के डालूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने 1 अंडा ले लिया, और ये पराठा अंडा के साथ बनाएगा तो बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसमें मैं और 2 क्या सीक्रेट डालूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने दूध डाल के लिया फ्रेंड्स, दूध थोड़ा थोड़ा करके डाल के लेने का। एक ही बार मैं पूरा दूध डाल के लूँगी तो हमारा जो डो है वो नरम हो सकता है, इसकी वजह से हम दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें, और अच्छे से एक डो बना के लेंगे मिक्स करते हुए। तो देखिए, हमारा डो रेडी हो चुका। तो मैंने 1 चपाती के साइज़ का आटा लिया फ्रेंड्स, सूखा आटा डाल के अभी इसे 1 चपाती के शेप में लाट के लेने का। देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के लूँगी मैं। तेल को अच्छा से सब जगह पे लगा के लूँगी, और उसके ऊपर फ्रेंड देखिए ये है सीक्रेट, मैंने इसके ऊपर मिल्क पाउडर और 1 चम्मच शुगर डाल के लिया, और इसे अच्छा से सारा पराठे के ऊपर इस तरह से फैला के लेने का मिल्क पाउडर और शुगर, और इसे अच्छे से फोल्ड करके इसको देखिए इस तरह से चारों साइड से फोल्ड करके लेने का, स्क्वायर शेप दे के लेने का इस तरह से। फिर से थोड़ा आटा लगा के इसे अच्छे से स्क्वायर शेप में इस पराठे को बना के लीजिए शेप में, देखिए इस तरह से। अरे खाने में बहुत टेस्ट, बहुत एमी लगता है फ्रेंड्स, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप बच्चों को टिफिन में भी पराठा दे सकते हो। तो देखिए अभी अच्छे से पराठे को फ्राई करके लेने का। तो मैंने तवा रख दिया था फ्रेंड्स पहले ही गर्म होने के लिए, तो हमारा तवा एकदम गर्म हो चुका था। तो मैंने लाट के तुरंत डाल के लिया, और इस तरह से चम्मच की मदद से चलाता हुआ इसे अच्छे से दोनों साइड फ्राई करके लेने का, साइड से थोड़ा तेल डाल के लेने का फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा जो पराठा है इतना फ्लफी हो गया, इतना फूल गया। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड अच्छे से फ्राई करके लेने का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा पराठा को अच्छे से बना के लिया, ये देखिए सारा पराठा को फ्राई करके लिया। तो मेरा रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।